आप सभी का स्वागत है वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज मेरी वीडियो का टॉपिक है, आप सभी ने थंबनेल भी देख ही लिया होगा कि पढ़ने का सही समय क्या है, पढ़ने का उचित समय क्या है। तो देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है या कर रहा होता है, तो उसके मन में जो है हमेशा एक प्रश्न रहता है कि पढ़ने का सही समय क्या है, वह समय कौन सा है जिसमें मुझे लंबे समय तक याद रहे और मैं लंबे समय तक पढ़ने बैठ सकूं, मेरा इंटरेस्ट उसमें बन सके। तो ये प्रश्न आना भी जायज ही है। तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे जो व्यक्ति सक्सेस हुए होते हैं उनकी स्टोरी जो है सुनते हैं कि वे रात में पढ़ते थे या सुबह पढ़ते थे, सुबह अच्छा पढ़ा जा सकता है या रात को अच्छा पढ़ा जा सकता है। तो सभी के जो है एक माइंड में ये प्रश्न आना लाजमी है। तो देखिए, मैं अपनी इस वीडियो में आपको जो बताना चाहती हूँ, मैं बताती हूँ आपको, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे क्या है आप खुद ही पता कर सकते हो कि आपके लिए जो सही समय पढ़ने का क्या है। आप सुबह अच्छा पढ़ सकते हो या आप रात को अच्छा पढ़ सकते हो। देखो, सभी का अपना पढ़ने का एक तरीका होता है। ये नहीं कि जो बच्चे सक्सेस हुए वो सुबह पढ़ने वाले ही हुए हैं या रात में पढ़ने वाले ही सक्सेस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वहम है, ये मिथ है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपके पास ना, जो अगर बात करें हम सुबह और हम रात की ही बात करते हैं, या आप दिन लगा लीजिए या रात जो है साथ में दिन या जो है सुबह वीएस रात, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दोनों ही सुबह और रात में, जो दिन और रात में जो पढ़ना है वो उनके जो दोनों के ही अलग अलग फायदे हैं, दोनों ही अपनी जगह अच्छा है। सुबह पढ़ने वाले भी कामयाब हुए हैं, रात को पढ़ने वाले भी कामयाब हुए हैं, ठीक है, उनको भी सक्सेस मिली है। तो देखिए, सुबह पढ़ने के ये फायदे होते हैं, जो है हमारे अंदर एनर्जी होती है, उस समय फ्रेश हमारा माइंड होता है, ठीक है, हम पूरी एनर्जी से पढ़ पाते हैं। और रात में पढ़ने का ये फायदा होता है कि जो माहौल होता है ना उस समय का, बिल्कुल शांत होता है, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता और जो है हम अच्छे से जो है कंसंट्रेट करके जो है स्टडी पे फोकस करके जो हम पढ़ सकते हैं। ये दोनों के फायदे हैं। दोनों के फायदे आपने देख लिए कि सुबह पढ़ने के और रात में पढ़ने के क्या फायदे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, पढ़ने में तो देखो सभी ठीक होते हैं, मेहनत पे डिपेंड होता है, सुबह भी जल्दी उठकर पढ़ते हैं और रात को भी लेट नाइट तक जो वो पढ़ते हैं। तो वे बच्चे भी जो है क्या होता है, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और वो जो पढ़ते हैं उनको अच्छे से याद नहीं हो पाता, वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर देखिए, आप बिल्कुल सोच के देखिए इस बात को, अगर हम सुबह जल्दी उठकर पढ़ेंगे और रात को हम लेट जो है सोएंगे तो क्या होगा, हमारी नींद पूरी नहीं होगी, हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है, हम मेंटली जो है हेल्दी नहीं रहेंगे। तो देखिए, सुबह और जो रात है, दिन और रात है, आप ऐसा करिए दोनों टाइम में पढ़ के देखिए। एक दिन आप सुबह जो है जल्दी उठिए और जल्दी उठकर पढ़कर देखना, आपको एक दो दिन में ही पता चल जाएगा कि आपके लिए जो सही समय क्या है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना या रात को देर तक पढ़ना, ठीक है। दो, सुबह जल्दी उठकर पढ़े, फिर आप क्या करना, आप एक बार जो आप ट्राई करके देखना, रात को जो है लेट पढ़ना, लेट नाइट तक जो है आप पढ़ना, और सुबह आप उसी हिसाब से अपनी जो 8 घंटे की नींद है, 8-9 घंटे की नींद है, या जो भी आप 8-9 या 7-8 जो भी ले रहे हो, वो नींद पूरी हो गई और उसके बाद आप सुबह उठना, ठीक है, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आपको पढ़ा हुआ भी याद रहेगा। तो दोनों ही ट्राई करके देखो, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा आपके लिए जो है सुबह पढ़ना अच्छा रहा या आपके लिए जो है रात में पढ़ना अच्छा रहा। यहाँ पे बस मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हो, देखो पढ़ने के घंटे मायने नहीं रखते कि आप 2, 10, 11, 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आप सक्सेस हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने टाइम पढ़ रहे हो या आप जितना पढ़ रहे हो वो आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आप उसे अच्छे से समझ पा रहे हो, मायने ये रखता है, ना कि आपका टाइम जो घंटे होते हैं पढ़ने के वो मायने नहीं रखता।
अगर आप सुबह जल्दी पढ़ रहे हो तो रात को टाइम से सो, जिससे क्या है आप हेल्दी भी रहो, अपने हेल्थ का भी जो है ध्यान रखो और आपकी नींद भी पूरी हो जाए, ठीक है। अगर रात को आप जो है लेट नाइट तक पढ़ रहे हो तो सुबह आप उसी हिसाब से उठो कि आपकी नींद पूरी हो जाए। तो वो आपको देखना है, आप अपना जो है अपने आप को देखिए, अपने आप को समझे, अपने आप को जानिए, ठीक है। दूसरे की जो है एक तरह से ये देख के कि हाँ कौन रात में पढ़ के कामयाब हुआ है, सुबह पढ़ के या सक्सेस मिले, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने आप को समझे कि मेरे लिए कौन सा जो है डे बेटर होता है। और इससे अलग एक और तरीका मैं बता देती हूँ कि आप ना रात में जाओ ना सुबह जाओ, आपका जब भी मन करे ना, जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है उनको जो है इतना समय पढ़ने का नहीं लग पाता, ना उनका कोई शेड्यूल बन पाता कि मुझे इस 9 से 11 पढ़ना है या रात को 9 से 2-3 तक पढ़ना, उनका नहीं जो है बन पाता। तो जब भी आपका मन करे ना, जब भी मन करे, दिन में करे या रात को भी थोड़े टाइम के लिए आपका करे, उसी टाइम पढ़ने लग जाओ। यानी जो अपना टाइम है वो वेस्ट ना करके सिर्फ अपना जो है उस स्टडी में ही आप ध्यान रखिए, तो वो भी एक अच्छा मुझे लगता है शेड्यूल अच्छा होता है जिससे आप तैयारी कर पाए, ठीक है। तो आप क्या है हेल्दी रहिए, अपने जो है मेंटली भी हेल्दी रहिए और जो फिजिकली भी हेल्दी रहे, ठीक है। और अच्छी डाइट ले, ठीक है। तो उससे क्या है फ्रूट वगैरह ज्यादा ले, जिससे क्या है आप पढ़ो और फ्रेश माइंड से पढ़ो, यानी कि प्रेशर है एग्जाम मुझे सक्सेस होना, ऐसा कुछ नहीं। शांत रखे और अच्छे से जिस टाइम आपको जो है टाइम मिले उस टाइम में पढ़े और अपने अकॉर्डिंग जो अपना शेड्यूल बनाए, सुबह भी हो सकता है रात भी हो सकता है, या जो पूरा दिन आप पढ़े सुबह थोड़ा टाइम से उठे और रात को टाइम से सो, और जो पूरा दिन होता है उस टाइम में स्टडी करें, ठीक है। कोई भी आप चूज कर सकते हो, कोई भी जो है, ठीक है। तो इसी से स्टडी होती है, इसी से हमें जो है हमारी जो एक होता है, देखो लगातार पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। ये नहीं हम आज पढ़े कल छोड़ दिया, 2-3 दिन पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है, लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो जरूर बताना। धन्यवाद।